आइए दोस्तों, आज मिलवाते हैं हमारी छोटी बेटी से। आज हमारी छोटी बेटी का लगन लिखा जा रहा है, तो पंडित जी आ चुके हैं और बिटिया को बिठा दिया है। ये जो छोटा बच्चा है, ये गणेश जी के प्रतिरूप में बिठाया जाता है। तो सबसे पहले गणेश जी के प्रतिरूप की पूजा होती है, उसके बाद में फिर जो कन्या होती है उसका होता है। ये सारी फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। और जो लगन लिखी जा रही, लगन पत्रिका लिखी जाती है, ये सगाई से एक दिन पहले लिखी गई है। तो दूल्हे लड़के वालों के यहाँ पे यह लगन पत्रिका जाती है। सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होता है। हम लोग जयपुर राजस्थान से हैं, तो हमारे यहाँ इस विधि विधान से ही होता है। सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। और जब पंडित जी ने जब गणेश जी का वो कर दिया, उसके बाद में गणेश जी की आरती करवाई और पूरे पूजा विधि से कार्यक्रम संपन्न करवाए। अब ये जो हमारे देवर हैं, जो कि हमारी बिटिया रानी के पापा हैं, तो इनसे वो जो लगन पत्रिका है वो करवाई गई। सबसे पहले गणपति के स्वरूप में जो बच्चा बैठा है उसके तिलक किया गया, और फिर जो हमारी बिटिया है उसके तिलक किया गया। और सारे संपूर्ण विधि करने के बाद में जो लगन पत्रिका लिखी गई थी, वो लगन पत्रिका बच्ची को गोद में दे देते हैं और फिर ये बांध के रख देते हैं। जब सगाई वाले दिन इस लगन पत्रिका को लेके जाते हैं और दूल्हे को दे दी जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारी बेटी का विवाह आपके बेटे से होने जा रहा है, और उसमें तारीख वगैरह लिख दी जाती है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है और सबका अपना अपना रीति रिवाज होता है। तो हमारे यहाँ का मैंने ये सोचा कि मेरे यहाँ के रीति रिवाज भी हम आपको दिखाएँ और बताएँ, तो आप भी एंजॉय कीजिए। आगे फिर सब जो महिलाएं आई हुई थी, उन सब ने बन्नी गाई, गीत गाए, मंगल गीत गाए और बच्ची के लिए आशीर्वाद दिया, और काफ़ी उत्साह से बच्ची को वो बताया गया। और ये देखिए, पंडित जी जो लगन पत्रिका लिखी गई थी उस पत्रिका को पढ़ रहे हैं कि कहाँ से कहाँ का लड़का है, कहाँ की लड़की है, उनके पिताजी के नाम, लड़का और लड़की के पिताजी के नाम, चाचा जी के, दादाजी के नाम, सबके नाम उसमें लिखे जाते हैं, भाइयों के नाम। और फिर पंडित जी सुना रहे हैं कि इतनी तारीख को सगाई है और इतनी तारीख को शादी होगी, विवाह संपन्न होगा। इस प्रकार से संपूर्ण जो इस पत्रिका में लिख दिया जाता है, तो ये देखिए, और इस प्रकार से पूरा विधान हुआ। अब ये हमारी जो ननद रानी हैं, उसके बाद में बच्ची को तिलक लगा के शुभ आशीर्वाद दे रही हैं, और जो आरती किया जाता है बुआ के या बहन के द्वारा, तो ये हमारी दीदी हैं, ये आरती कर रही हैं। और पूरा विधि विधान से काम हुआ है। तो देखिए, और फिर जो सभी महिलाएं आई हुई थी परिवार की और आसपास की महिलाएं आई थी, सबने मंगल गीत गाए और सबने बहुत एंजॉय किया। और फिर इसके बाद में चाय नाश्ते की व्यवस्था थी, लंच की व्यवस्था थी, तो सबने बहुत एंजॉय किया। आप भी एंजॉय कीजिए। सबका नाश्ता पानी हो चुका था, उसके बाद में हम लोग, मैं, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड और बच्चे सब ने मिल के विवाह से संबंधित रूपरेखा बनाई कि नेक्स्ट डे हमारी सगाई का दिन था तो हमें क्या क्या करना है। और उस प्रकार से सब लोग बैठ के हंसी मजाक का दौर भी चल रहा था और शादी से संबंधित कार्यक्रम की भी रूपरेखा बनाई जा रही थी। तो हम लोग एक जगह बैठ के सारा डिस्कस कर रहे थे और हंसी मजाक भी कर रहे थे। बीच बीच में मेरे हस्बैंड बहुत देवर मजाक कर रहे थे, और फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए गाना भी गाया, तो वो गाना आप भी सुनिए, मैं आपको भी सुनवाती हूँ। ये देखिए, मरने ये हमारी बिटिया रानी आ गई है शादी में।
तो ये हम इससे मैं यही डिस्कशन कर रही थी कि बेटा आपको क्या क्या पहनना है, सगाई में क्या पहनोगे, शादी में क्या पहनोगे, हल्दी मेहंदी में क्या पहनोगे, वही जो जनरल बात एक शादी विवाह में होती है, माँ बेटी की बातें, यही सब बातें चल रही थी। और इनके चाचा और पापा हमारी बातें सुन के और मजाक कर रहे थे कि अभी तक शादी का दिन आ चुका है और इन लोगों का ड्रेस वगैरह कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, तो सारा यही सब कुछ सिस्टम चल रहा था। ये शादी में हमारे घर में शादी है, हमारी छोटी बेटी की पल्लवी की, उसकी शादी में आई है और इसका ये ड्रेस कैसा अच्छा लग रहा है। मैंने सीधे पल्ले में साड़ी पहनी है और इसका कलर और ये तूने से उल्टी लगा ली है इस तरीके से, ये देखो ऐसे, और ये हम दोनों का लुक है और ये देखो सही लग रहे हैं हम दोनों। पापा कितनी शूटिंग की होगी? पूजा विधि के दौरान ही हलवाई भी घर में बैठ गए थे, जिनसे कि हमने बहुत सारी ढेर सारी मिठाइयाँ बनवाई थी घर में हलवाई बिठा के। तो हलवाई जी भी हंस रहे थे जब मैंने सोचा कि इनकी क्लिप बना लेती हूँ। ये काजू की कतली के लिए काजू रोस्ट, काजू का पेस्ट को तैयार कर रहे हैं, फिर इसमें चीनी वगैरह मिलाएंगे और काजू कतली बनाएंगे। तो मैं हलवाई जी से पूछ रही थी कि हलवाई जी किस तरीके से, किस हिसाब से आप क्या बनाते हो, तो हंस रहे थे कि मैडम आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, हमें बुला लेना, हम तभी आपकी बना देंगे। तो इस तरीके से शादी के घर में हंसी मजाक चल रहा था। उसके बाद में जब काजू का पेस्ट तैयार हो गया, और ये देखिए हलवाई जी ने यहाँ पे रूम में लाके इस पेस्ट को इस तरीके से बेला और काजू की कतलियाँ काटी और चांदी के वर्क लगाए, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाते हैं हलवाई जी। तो आइए आप आगे बने रहें ब्लॉग में, बाय।